गोवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शासन ने काउंसलिंग काउंटर बनाकर तमाम रोजगार के अवसर प्राप्त कर आत्मनिर्भरता में अपने साथ साथ देश की प्रगति में सहभागिता दर्ज कराएं। ऐसे रोजगार मेले में दिव्यांगों, महिलाओं और नौजवानों के लिए तमाम काउंटर बनाकर उन्हें हर तरीके से रोजगार की उपलब्धता के तौर तरीके बताए जा रहे हैं। रोजगार मेले में रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर रीवा एलैया राजा, टी अपर कलेक्टर सहित प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। देश में इस समय आत्मनिर्भरता को लेकर प्रशासन प्रयासरत है। इसी कड़ी में रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में यह शिविर लगाया गया। तमाम लोगों को सुविधा के साथ रोजगार के सुअवसर उपलब्ध हो, इसकी वृहद जानकारी दी गई। रोजगार मेले में रोजगार को लेकर बड़ी मात्रा में लोग उपलब्ध रहे। आपकी कंपनी के 22 अप्रैल मुझे फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर उसी दिन मिला। चाइना पैटर्न पे काम चल रहा था, इस बात की मुझे बहुत खुशी है आपकी लीडरशिप में। हम तो कोशिश ये करेंगे कि चाइना में 2000 के आसपास। आज मैं आपसे कह रहा हूँ यार, और यह रोजगार दिया उसके लिए भी धन्यवाद, लेकिन अभी और जरूरत है क्योंकि आप अब हमारे साथ हैं धनराज प्यासी सतना से, और साथ ही उनके साथ मौजूद हैं आयशर। आईटीआई कब किया आपने? 2017 में कंप्लीट हो गया मामा जी। 2017 में कंप्लीट हो गया था जी। और नियुक्ति कब मिली आपको? 15 तारीख की। अभी 15 तारीख को नियुक्ति। इसके पहले आपने और कहीं काम किया है क्या? देता हूँ, इस नियुक्ति से आप संतुष्ट हैं? जी सर। आगे और क्या करना चाहते हैं? आपको नियुक्ति पत्र मिला है, ठीक से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए और खूब आगे। नमस्कार, आपको पहले तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप भारत की सबसे तेजी से बढ़ते वैश्विक समूह में से एक हैं। इस कंपनी की स्थापना 1985 में हुई है और आप लगातार कार्यरत हैं। सौर ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर आपके प्रदान है। स्किल्ड मैन पावर सप्लाई एजुकेशन CS और ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर आपने प्रदान किए हैं। एक बार जो आगे आप ना छोड़े, और मैं भी चाहता हूँ कि जी धनराज जैसे नौजवान एक बार काम पे लग गए तो आपकी कंपनी को भी लाभ है और धनराज जैसे नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। आपको ये रोजगार मेले के बारे में कहाँ से पता चला? सर रोजगार कार्यालय से। रोजगार कार्यालय से, उसी से देख के फिर आपने? मामा जी नमस्कार। हाँ बेटी, नाम क्या है आपका? हर्षवर्धनी। हर्षवर्धनी से सऊदी। हाँ हर्षवर्धनी, वही ना, मैं सोचा था हर्षवर्धन जी। तो हर्षवर्धनी के लिए हर्ष के साथ तालियां बजाइए एक बार। थैंक यू सर। बेटी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैंने MA इन इकोनॉमिक्स किया है। कहाँ से किया? यही जीवा जी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। अच्छा, देखो आप शिवपुरी से। धन्यवाद, आज सर अच्छा काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में निवेश काफी है और भी निवेश आए उसके लिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।